दोस्तों, यूँ तो दुनिया भर में आपको कई अनगिनत स्कूल देखने को मिलेंगे जो अपनी अलग अलग खासियत के लिए जाने जाते हैं। और अक्सर आपने ये भी सुना होगा कि बिना रूल रेगुलेशंस के तो कोई स्कूल हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे स्कूल भी हैं जो आम स्कूलों से पूरी तरह से अलग हैं, जिसमें पढ़ाई करना शायद किसी के लिए सौभाग्य की बात भी हो सकती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये स्कूल अपने अजीबोगरीब नियमों के लिए दुनिया में काफी प्रसिद्ध हैं। इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि ये स्कूल किस तरह से आम स्कूलों से बिल्कुल अलग है, जहाँ पर पढ़ने के लिए लड़के ही तरसते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। नंबर वन, कॉस्टस जिमनेजियम। दोस्तों, क्या कभी ऐसे स्कूल को देखा है जिसके अंदर कोई क्लासरूम ही ना हो? जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क में मौजूद इस स्कूल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई करने के लिए किसी क्लासरूम को नहीं बनाया गया है, बल्कि ये एक ओपन स्कूल है जहाँ पर बच्चे किसी भी जगह पर बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, जहाँ पर इन्हें सबसे घुलने मिलने और बातचीत की आज़ादी मिली हुई है। साथ ही बच्चों को लैपटॉप की फैसिलिटी भी दी गई है, जिससे कि ये अपनी स्टडी में एडवांस तरीके को इन्वॉल्व कर सकते हैं। नंबर टू, फॉरेस्ट किंडरगार्टन। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाते देखना सच में बेहद सुखमय होता है। और जहाँ स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर टीचर इन्हें क्लास वर्क कराती हैं, लेकिन इस फॉरेस्ट किंडरगार्टन स्कूल में तो बच्चों को फॉरेस्ट ही ले जाया जाता है, जहाँ ये बच्चे प्रकृति की गोद में बैठकर नई नई चीज़ों को सीखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। स्कूल में बच्चों को प्रकृति से प्यार करने के साथ साथ इन्हें मॉरल एजुकेशन जैसी चीज़ों को पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे जो छोटे होते हैं आगे चल के यानी फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और स्मार्ट स्टूडेंट बनते हैं। नंबर थ्री, लगगाड़िया हाई स्कूल। दोस्तों, क्या आपको पता है एक्टर शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान किस कॉलेज से पढ़ाई करती हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं, सुहाना न्यूयॉर्क के बहुत ही बड़े कॉलेज में पढ़ती हैं, जिसका नाम है लगगाड़िया हाई स्कूल, जिसमें पढ़ाई करने के लिए इंसानों के पास बहुत ही मोटी रकम होनी चाहिए। तो वहीं इस स्कूल में फिल्मी दुनिया के सारे कामों को सिखाया जाता है। जी हाँ, सही सुना कि ये स्कूल ऐसा ही है जहाँ पर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी सारी एजुकेशन दी जाती है, जहाँ बच्चों को एक्टिंग, डांसिंग, ड्रामा के साथ साथ डायरेक्शन, एडिटिंग और रिपोर्टिंग के भी प्रोफेशनल कोर्सेज को पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर कई हॉलीवुड के स्टार भी पढ़कर निकले हैं, जिसके चलते आज ये कॉलेज दुनिया भर में फेमस हो चुका है। फोर्थ, रिबोचोया। दोस्तों, हमारे समाज में प्रोस्टिट्यूटिंग को एक गंदा काम माना जाता है, बावजूद इसके स्पेन में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर प्रोस्टिट्यूटिंग की पढ़ाई लड़कियों को कराई जाती है। यहाँ लड़कियों को जिसमें लड़कों को फिजिकली कैसे अट्रैक्ट करना है, किस तरह की सारी सेक्सुअल बातें उन्हें अच्छी से सिखाई जाती हैं, जो कि हमारे इंडिया में तो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही शर्मनाक बात हो सकती है। फाइव, बर्जेस हाई स्कूल। दोस्तों, ये दुनिया का इकलौता ऐसा स्कूल है जहाँ पर दुनिया के सबसे बिगड़ैल बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिसमें यहाँ छोटे छोटे बच्चों को क्लासरूम में ही सिगरेट पीने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ ही ये ऐसा स्कूल है जहाँ पर बच्चों को हर वो मनमानी करने की आज़ादी मिली है जिसमें वो खुश रहें। क्यों, सुनकर मज़ा आ रहा है ना? शायद आप भी हमारी तरह यही सोच रहे होंगे कि हमें ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए क्यों नहीं मिला। लंदन का ये स्कूल है जो स्कूल कम क्लब ज़्यादा लगता है, जिसमें लड़के लड़कियाँ आपस में नाचते गाते हुए टाइम बिताया करते हैं। और हमें तो ये पता है कि लड़के इस स्कूल में ज़रूर ही पढ़ना चाहें, मतलब कुल मिलाकर आप ऐसा कह सकते हैं स्कूल में पढ़ाई के अलावा बाकी सारे काम बच्चों के द्वारा किए जाते हैं। तो वहीं इस स्कूल के को फाउंडर ने स्कूल में बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास को तेज़ी से विकसित करने के लिए इस तरह के बेकार नियम को लागू किए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की बदतमीजी मनमानी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि स्कूल के प्रिंसिपल को ही ये स्कूल बंद करना पड़ा। तो दोस्तों, क्या आप भी इन स्कूलों में पढ़ने का सपना देखने लगे हैं? बाकी आपका हमारे इस वीडियो के बारे में जो भी ख्याल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही इस तरह की ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।